विदिशा जिले के नगर पठारी में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक पठारी के कृषि मंडी प्रांगण में आयोजित की, जिसमें सागर सांसद राज बहादुर सिंह, प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, जिला प्रभारी लता वानखेड़े, गंज बासुदा विधायक लीना जैन सहित जिले के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए, जिसमें कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में हर बूथ पर मजबूती से काम करने के लिए कहा गया है। वहीं सांसद राज बहादुर सिंह ने कहा कि सरकार की जनहितैषी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता काम करेगा। आने वाले 23 के चुनाव को देखते हुए पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्र में सह कार्यक्रम रखने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि पठारी मंडल में जिला कार्य समिति की यह पहली बार जिला बैठक ग्रामीण क्षेत्र में की गई। अभी तक यह बैठक नगरीय लेवल पर की जाती थी। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हमने जब उसको रिवाइज किया तो हमने 22 कार्यों की सूची निकाल के दी। कितने यहाँ मंडल अध्यक्ष बैठे, कितने मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, हाथ खड़े कर दो। 23 मंडल है अपने यहां, मैं देख रहा हूं। हाँ, आप है ना मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, मोर्चों के तो नहीं। भोपाल वाले अपने को पढ़ना है इसको, और केवल पढ़ना नहीं, इस पूरी भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसका जो मूल आधार है ना, जिस पर ये सारे पिलर और इमारत खड़ी है, वो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है। सबसे ज्यादा अगर किसी पिलर पर लोड है तो वो मंडल का अध्यक्ष है। उसकी भूमिका जितनी सशक्त होगी, उसकी भूमिका जितनी चलायमान होगी, जितना लंबे समय से निश्चित तौर पर जो हमारे पठारी की तरफ आने के लिए हिंदुस्तान रेलवे था, मैं स्वयं एक बार लगभग 1.5 घंटे तक खड़ा रहा। उसकी चिंता हम सब लोग कर रहे हैं, और आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि उसके लिए जो ओवर ब्रिज बनना है वो मार्च में उसके टेंडर लग जाएंगे, और ओवर ब्रिज के साथ एक अंडर ब्रिज भी रेलवे बना रही है। लगातार मांग रही है कि पहले कहीं अंडर ब्रिज बन जाए, क्योंकि ओवर ब्रिज में निश्चित तौर पर काफ़ी समय लगता है, 2 से 3 वर्ष ओवर ब्रिज बनाने में लगते हैं। इसलिए भारत सरकार ने तय किया है कि जहाँ भी हम ओवर ब्रिज बनाएंगे वहाँ पहले अंडर ब्रिज बनाएंगे, जिससे तत्काल में लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आपकी जो एक लंबे समय की मांग है, वो उस तो मांग पूरी हो गई। आने वाला तो फरवरी को छोड़ के मार्च आने वाला है, उसमें से टेंडर की प्रक्रिया हो जाएगी, और आने वाले समय में हमारे सब पठारी तरफ या वो अपने परेशान हो रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।